जिसे कोई नहीं कर पाया वो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने करके दिखाया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक त्यागी। इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है, उनकी गेंदबाजी की काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा मोहम्मद शमी के एक रिकॉर्ड की हो रही है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया टीम इंडिया में, वो मोहम्मद शमी ने करके दिखाया है। दरअसल ये जो चर्चा है ये मोहम्मद शमी के सबसे तेज विकेट की चर्चा है। आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी से ये जो कारनामा, पहले ये कारनामा अजीत अगरकर के नाम था जो 97 मैचों में 150 विकेट हासिल किए थे जिन्होंने, उसके बाद में जहीर खान ने 103 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने केवल 80 मैचों में ये कारनामा करके दिखाया है। 80 मैचों में मोहम्मद शमी ने 150 विकेट लेकर ये बता दिया कि इस गेंदबाज में कितना दम है, कितनी रफ्तार से ये गेंदबाज वनडे क्रिकेट में विकेट चटकाता जा रहा है, किस तरीके से ये गेंदबाज विपक्षी टीमों पर हावी होता जा रहा है। वैसे अगर विश्व क्रिकेट की बात करें तो मोहम्मद शमी राशिद खान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। राशिद खान भी 80 मैचों में 150 विकेट हासिल कर चुके हैं और मोहम्मद शमी भी 80 मैचों में 150 विकेट हासिल करके टीम इंडिया के गेंदबाज के तौर पर सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर पहले नंबर पर आ गए हैं। तो आपका मोहम्मद शमी के इस रिकॉर्ड पर, उनकी गेंदबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।